الرحيم. عزيز طلاب والطالبات، السلام عليكم. मैं हूं अब्दुल रहमान शेख, मास्टर गर्ल्स हाई स्कूल दरगाह. आपके सामने इस वक्त हाजिर इंग्लिश की क्लास लेकर. डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज वंस अगेन यूज ऑफ आर्टिकल्स बट पार्ट थर्ड. इन दिस क्लास वी विल ट्राई टू एक्सरसाइज सम और ब्लैंक्स विच वी ट्राई टू फिल इन बाय यूजिंग ऑफ अप्रोप्रिएट और सुटेबल आर्टिकल्स. अजीज तुलबा और तालिबात, आज की इस क्लास में हम एक एक्सरसाइज करेंगे. हम देखेंगे कि क्या हमने अच्छी तरह से ये सीख लिया है कि कहां पे हमें कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है. क्योंकि हम पिछली दो क्लास में हमने तीनों आर्टिकल्स इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, यानी ए एन इंडेफिनिट एंड द डेफिनिट आर्टिकल्स हमने सीख लिए, ये कहां कहां पे इस्तेमाल करने हैं. तो इसी के बारे में हम इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में हम आज एक्सरसाइज करेंगे. तो आप अपनी तवज्जो मार्कर बोर्ड की तरफ रखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एंड द. तो यहां पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो हमें इनको फिलअप करना है अप्रोप्रिएट या सुटेबल आर्टिकल्स से. तो नंबर वन, इंक इज डैश डैश यूजफुल आर्टिकल. इंक इज डैश डैश यूजफुल आर्टिकल. तो हमें देखना है कौन सा आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है यहां पे पहला साउंड यूजफुल का, तो ए लगेगा. यूजफुल ये कॉन्सोनेंट साउंड है. इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल. नंबर टू, हिज ब्रदर इज डैश डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. चूंकि यहां पे यू है, लगता है जाहिर तौर यू हम वावल्स में भी लाते हैं, लेकिन यहां पे यू की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है. सो हिज ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. नंबर थ्री, यस्टरडे आई सॉ डैश डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश डैश एलिफेंट. तो यहां पे हम ये जो यूरोपियन है, हम इसको पर्टिकुलराइज करते हैं, इस शख्स को हम पर्टिकुलराइज करते हैं कि ये यूरोप का रहने वाला है, तो इसलिए यहां पे द आएगा. यस्टरडे, सॉरी यहां पे ए आएगा, क्योंकि यहां ई जो है ये वॉवल है, लेकिन यहां पे ई की साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट है यूरोपियन. तो यस्टरडे आई सॉ ए यूरोपियन राइडिंग ऑन, यहां पे वॉवल साउंड है ई, एन एलिफेंट. नंबर फाइव, आई हर्ड डैश डैश लाउड नॉइज इन डैश डैश नेक्स्ट हाउस. तो ये एल जो है कॉन्सोनेंट साउंड है. आई हर्ड ए लाउड नॉइज इन डैश डैश नेक्स्ट हाउस. तो ये हाउस जो है हम यहां पे ये इसको यहां पे हम हाउस जो है, डियर स्टूडेंट्स, हम यहां ये जो हाउस है हमें यहां ये पर्टिकुलराइज करना है, तो इसलिए यहां पे द लगेगा. द तो बन गया आई हर्ड ए लाउड नॉइज इन द नेक्स्ट हाउस. फिर नंबर सिक्स, हैव यू रीड डैश डैश होली कुरान. जो कि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा कि जहां पे भी कोई रिलीजियस बुक, जिसे कहेंगे हम मजहबी किताब
या कोई मुकद्दस किताब का नाम आएगा तो हमें यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा ये होली कुरान ये हमारी मजहब में मतलब एक मुकद्दस हमारे दीन की एक मुकद्दस किताब है। तो यहाँ पे द लगेगा, हैव यू रीड और रेड द होली कुरान। नंबर 7, ही वॉज सिटेड बाय डैश एरो, क्योंकि यहां एरो की पहली साउंड जो है ये वॉवल है तो इसलिए यहां लगेगा एन एरो। नंबर 8, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, तो क्योंकि यस डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, क्योंकि हमने पिछली क्लास में यह भी सीखा पढ़ लिया है कि रिवर अगर कहीं रिवर का नाम आएगा तो उस रिवर के नाम से पहले हमें द आर्टिकल द यानी इनडेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। इसलिए यहां पे आएगा द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, क्योंकि यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए आएगा। नंबर 9, ही ड्राइव्स द मोटर कार एट, सॉरी यहां पे मैंने पहले ही दिया है, यहां पे द आएगा क्योंकि हम मोटर कार को यहां पर्टिकुलराइज करते हैं। तो ही ड्राइव्स द मोटर कार एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म का यू जो है यह हमें कॉन्सोनेंट साउंड देता है, लिहाजा हमें आर्टिकल ए यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है, ही ड्राइव्स द मोटर कार एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। लास्ट वन इज हिज फादर इज डैश एमएलए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे एम एल ए, ये जो एम है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसकी साउंड को देखते हैं तो इसकी साउंड वॉवल साउंड है, एम यानी ए से शुरू होती है एम एल ए। तो लिहाजा यहां पे हमें कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा, एन, क्योंकि आगे लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी साउंड है वॉवल, इसलिए हिज फादर इज एन एम एल ए। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस तरह से हमारी आज की टेंथ क्लास इंग्लिश टेंथ क्लास अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।